मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में सोते समय हमें वो क्या क्या चीजें हैं जो कि अपने सिरहाने में या फिर बेडरूम में नहीं रखने चाहिए। तो आइए हम जानते हैं वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम अपने सिरहाने में ना रखें तो ही बेहतर है। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी रात को सोते समय पर्स या बटुआ जिसमें कि आप पैसे रखते हैं वो सिर के पास रख के नहीं सोएं। ऐसा कर करके सोते हैं आप तो आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे, घिरे रहेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करें, पर्स और बटुए को कहीं दूर कहीं अच्छी जगह पे रखें, सिरहाने में लेके कभी ना सोएं। इससे आपको हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहेगी। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल या कुछ भी सोने के समय अपने पास नहीं रखना चाहिए, और खास करके सिर के पास तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। वैज्ञानिक भी मना करते हैं कि फोन को कभी भी अपने शरीर के पास नहीं रख के सोना चाहिए, और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ऐसा है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो कभी भी अपने सिरहाने के पास रख के नहीं सोना चाहिए। ऐसे करने से लोग जो है मानसिक उधेड़बुन में खोए रहते हैं, आप पूरी रात सपने देखते रहेंगे और सपने में भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस महसूस करेंगे, आपको ढंग से नींद नहीं आएगी। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होते हैं वो सर के पास नहीं होने चाहिए आप जब सो रहे हो तो। उसके बाद मित्रों बताना चाहूंगा मैं, कभी भी बेडरूम में या सिरहाने के पास खास करके कोई ऐसा चित्र फोटो नहीं होना चाहिए जो कि डरावनी हो। किसी भी तरह का डरावना फोटो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप सपने में भी नींद में भी तनाव महसूस करेंगे और आप नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी आपके चारों ओर विराजमान रहेगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे कि बेडरूम में कभी भी डरावने फोटो नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि वो बुक पढ़ते हैं सोने से पहले, और सोने के टाइम में क्या करते हैं, तकिए के नीचे उस बुक को रख देते हैं और सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी आप पूरी रात मानसिक उधेड़बुन में रहेंगे और हमेशा रात में स्ट्रेस महसूस करेंगे, जिससे आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी, और नींद अच्छी नहीं आएगी तो अगला दिन आपका कार्य में मन नहीं लगेगा। तो कभी भी बुक को तकिए के नीचे ना रखें। अगर आपको सोने से पहले कुछ पढ़ने का शौक है तो पढ़ें, और बुक को कहीं बगल में टेबल पे या कहीं और रखें, फिर सो जाएं। सबसे अंत में मित्रों बताना चाहूँगा मैं, सोते समय कभी भी जूते चप्पल को सिरहाने की तरफ नहीं रखना चाहिए। बेड में सिरहाने की तरफ रखने से बचना चाहिए, साथ ही बेड के नीचे भी कुछ लोग रख देते हैं। हर जगह दीवान नहीं होता, कई जगह लोग पलंग पे भी सोते हैं, तो पलंग के नीचे इतना जगह होता है कि लोग पलंग के नीचे चप्पल जूते को रख देते हैं फिर सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे उत्तम जगह है जूता चप्पल रखने का, जिधर आप पैर करके सो रहे हैं उधर के साइड में आप जूते चप्पल को रखें। इससे निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। तो मित्रों उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तब तक देखते हैं धर्म शिक्षा। धन्यवाद।